गाइस मीडिया लेयर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर है वो है हमारा इफेक्ट लेयर। तो यहाँ से हम लोग जो है वो इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं, ब्लर इफेक्ट, ग्लिच इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट्स आप जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सिंपल ये है हमारे पास इफेक्ट। अब इसके अंदर देख लीजिए काफी सारे इफेक्ट है। सबसे पहले अगर आपने डाउनलोड नहीं किया होगा या फिर आप ट्रायल वर्जन यूज कर रहे होंगे तो आपके पास सिंपल बेसिक इफेक्ट होगा। इसके अंदर हमारे पास ये है ब्लर। तो फॉर एग्जांपल अब मुझे किसी फेस को ब्लर करना है या फिर कहीं पे कोई लोगो वगैरह है, किसी का वाटर मार्क है, उसको हमें ब्लर करना है, तो वैसे केस में हम लोग जो है वो गॉसियन ब्लर जो है वो यूज करते हैं या फिर ब्लर बेसिकली ये भी वही है। तो चलिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये हमारे पास ये लेयर जो है वो अप्लाई हो गया। और अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली क्रोप टाइप इफेक्ट भी आ गया है ना, और रोटेट वगैरह करने का भी जो है वो ऑप्शन आ गया। तो सिंपल यहाँ से आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको कितने एरिया को जो है वो बेसिकली आपको ब्लर करना है ना। और इसका ड्यूरेशन क्या होगा ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको पूरी तरीके से जो है वो स्ट्रेच कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर भी आप देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया है ना, ये क्या है हमारा इफेक्ट्स लेयर है, तो इसके अंदर भी हमारे पास ये क्या है, ये इन एनिमेशन है कि ये जो इफेक्ट है ये आएगा कैसे इन एनिमेशन और ये कैसे रहेगा ओवरऑल एनिमेशन, जो कि हम लोगों ने देख लिया, मतलब फेड होता हुआ आएगा, फेड होता हुआ जाएगा, उसके बाद आउट एनिमेशन। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि ओके चलो फेड होता हुआ आएगा, फेड होता हुआ जाएगा, मुझे यहाँ पे जो ओवरऑल एनिमेशन है वो कुछ भी नहीं चाहिए है ना। उसके बाद देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले तो सेटिंग्स है, मतलब इस इफेक्ट्स की सेटिंग्स बेसिकली। तो यहाँ पे सेटिंग्स में आते हैं, तो अब ब्लर का स्ट्रेंथ क्या होगा, अभी क्या है 2 है, मतलब हल्का सा विजिबल हो रहा है, लेकिन हम यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं है ना। तो ये देख लीजिए हमारे पास ये काफ़ी ये हो गया। तो कहीं पे भी अगर आपको जो है कुछ लोगो वगैरह छुपाना हो तो आप इस तरीके से जो है वो छुपा सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, उसका स्ट्रेंथ जो है वो आप और बढ़ा सकते हैं और वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है वो ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास बेसिकली सेटिंग्स, इफेक्ट्स की सेटिंग। उसके बाद अल्फा है, ओपेसिटी आपने देख लिया था, ओपेसिटी क्या होता है, सिंपल ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है ट्रिम स्प्लिट, आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रिम स्प्लिट कैसे होता है, क्या होता है ना। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास शेप है, तो आप जो है बेसिकली यहाँ पे मास्क की तरह जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सेटिंग्स में जाता हूँ और इसका मैं ये बढ़ा देता हूँ, ब्लर्नेस मैं बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, शेप मतलब एज ए मास्क हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्कल अप्लाई कर देता हूँ, तो ये सर्कुलर हो गया, तो अब ये देखने में थोड़ा सा सही लग रहा है ना, राइट। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फेदर अप्लाई कर सकते हैं ये, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि लाइक एकदम बिल्कुल हार्ड। अभी क्या है यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल हार्ड जो है इसका कॉर्नर है, तो उसको हम लोग जो है वो यहाँ से फेदर कर सकते हैं। अभी थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये इस तरीके से काफ़ी स्मूथ हो गया। तो इस तरीके से आप जो है बेसिकली शेप का यूज़ कर सकते हैं और उसको जो है वो आप मास्क कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रोटेट एंड मिररिंग है, सिंपल आपको पता है रोटेट करना हो, फ्लिप करना हो, वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था हमारा कोई भी इफेक्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। सिंपल सेटिंग्स में उसकी सेटिंग्स होंगी, जो भी इफेक्ट होगा उससे रिलेटेड जो है वो सेटिंग्स होंगी, मतलब हर चीज़ हर इफेक्ट से रिलेटेड अलग अलग ऑप्शंस होंगे, लेकिन ये कुछ कॉमन ऑप्शन होंगे जैसे अल्फा, शेप एंड और भी इफेक्ट्स मैं आपको एक्चुअली दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से अभी फ़िलहाल तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद देख लेते हैं इफेक्ट्स में और भी कुछ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है ग्लिच, ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया, आप देख लीजिए इसमें हमारे पास क्या है, वही ऑप्शन है। फिर यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ कितना चाहिए आपको, फिर हमारे पास क्वालिटी है ना, उसके बाद जो है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप जो है इसको चाहते हैं, है ना। तो हर इफेक्ट से रिलेटेड जो है वो अलग अलग ऑप्शन होंगी, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल इतना मैं रखना चाहता हूँ इसको। फिर वैसे ही देख लीजिए हमारे पास यहाँ पर भी शेप है, तो हर इफेक्ट से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं वो अलग अलग होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो बाकी जो दूसरे ऑप्शंस हैं वो लगभग हमारा जो है वो सेम होगा। तो ये था हमारा बेसिकली इफेक्ट लेयर।